हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा इन्फोविज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके नियर एंड डियर को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बताए सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम इस रेसिपी की ओर चले। नवाबी कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन लेना है। मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है, 1/4 kg है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कट करके रखेंगे। अभी मैंने इसको नमक और हल्दी लगा कर रखा है। अभी हम इसमें 4-5 हरी मिर्च बारीक कट करके इसे अभी डालूंगी और 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट बड़ा सा, और इसमें गरम मसाला डालेगा 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है। अभी इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर में बारीक पेस्ट की तरह बनाएंगे। थोड़ा तेल डालिए मिक्सर में पहले, बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़े कट करके मिक्स कीजिए। पूरा पेस्ट होना चाहिए, इस तरह पेस्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो चिकन था उसको मिक्सर कर लिया है, बोनलेस चिकन था। हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा गरम मसाला डाल के अभी कि हम छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा तेल लीजिए हाथों से, इसे थोड़ा तेल लगाकर हाथ को इस छोटे छोटे गोले, आपको साइज कितने पसंद है उतने गोले करके साइड पे रख दीजिए। ऐसे गोले बनाकर सबको रख दीजिए। इसे देखिए, मैंने सारे कोफ्ते बना के रखा है। अभी ऐसे अभी हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं एक एक करके कोफ्ते डालती जाऊंगी। फ्लेम आपको मीडियम रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है। अभी इसको हम निकालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके 4-5 चम्मच ऐसे डालिए, इस तरह करके आप इन सबको निकाल लीजिए। मैं जो और बचे हैं उसको भी फ्राई कर लूंगी। 2 टमाटर लेना है मीडियम साइज। मैंने इसको गर्म पानी में 5 मिनट उबालने के लिए रखा है। जब 5 मिनट ज़्यादा नहीं रखना चाहिए इसको, 5 मिनट उबलने के बाद इसको बंद कर दीजिए। इसका हम प्यूरी बनाएंगे टमाटर का। ये 5 मिनट्स हो गया है, अभी मैं इसको बंद कर दूंगी, ये कूल डाउन होने के लिए रख दूंगी। मैंने जो टमाटर बॉईल करके रखा था, मतलब 5 मिनट इसके अब छिलके निकालेंगे और इसका भी प्यूरी बनाकर रखेंगे। टमाटो प्यूरी रेडी है। नवाबी कोफ्ता करी में हमें मसाला लगेगा, इसके लिए 1/2 स्पून जीरा है। हम इस सबको मिक्सर में डालेंगे। ये सिनेमन स्टिक है, दालचीनी है, इसको भी हम डालेंगे। 4 लौंग लेना है और 1 दालचीनी है, सॉरी
इलायची है इसको भी डालना है और 1 स्पून धनिया है फूल धनिया और 15 से 20 बादाम है इसको भी हम इन सब को हमें पेस्ट बनाकर पाउडर बनाकर रखना है। देखिए इन सबको मैंने पाउडर बना लिया है, अभी मैं साइड पे रखूँगी इसको ढककर, नहीं तो स्मेल सब चला जाएगा, इसके लिए इसको ढककर रखिए। मैंने सारे कोफ्ते उस ऑयल से निकाल दिया है, अभी उसी ऑयल में हम मैंने 3 से 4 बड़े प्याज लिया है उसको बारीक कट करके उसमें हम फ्राई करेंगे। अभी इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अभी, तब तक हमें फ्राई करना चाहिए। नेक्स्ट हमें उसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं उसमें, उसको भी अभी फ्राई करूँ अच्छी तरह से। अब हम उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं 1/2 स्पून हल्दी मिक्स कर रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर 2 से 3 बड़े चम्मच, अब टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ जो मैंने करके रखा था, इसको 1-2 मिनट तक फ्राई कीजिए। टोमेटो प्यूरी फ्राई हो चुका है, अभी नेक्स्ट हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके बाद जो मैंने पाउडर बना के रखा था मसालों का उसको हम डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी आप देखकर डालिए, आपको कितना गाढ़ा चाहिए उतना गाढ़ा थोड़ा पानी डालिए आप उसके हिसाब से। ये मैगी का मैजिक क्यूब्स है, चिकन का क्यूब्स मैजिक क्यूब्स बोल के आते हैं, उसको आप डालिए। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हो नहीं तो भी नहीं, अच्छा लगता है। अभी इसको 2 मिनट ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें जो फ्राई करके रखे थे उस कोफ्ते को हम ऐड करेंगे। और थोड़ा धनिया पत्ता डालकर इसको और 1-2 मिनट ढककर पकाएंगे। वाओ कितना अच्छा करी बना है, देखिए नवाबी चिकन कोफ्ता करी रेडी है। अब हमें प्लेटिंग करेंगे। देखिए नवाबी कोफ्ता चिकन करी रेडी टू सर्व, बहुत बढ़िया बना है, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।